Areas related to circle exercise 12.2 question number 13. A round table cover has 6 equal design as shown in figure. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use under root 3 is equal to 1.7. So student, question number 13. Look at this figure. Figure ki taraf dekhiye. Ye kya hai center O and ye sare parts kya hai segment of the circle hai. So consider APB is a segment. APB kya hai segment hai. अगर APB एक सेगमेंट है तो ये क्या करेगा कि ईच ऑफ द एंगल 360 अपॉन 6 डिवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि सेंटर क्या करता है 360 डिग्री बनाता है और इसे हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 360 अपॉन कितने पार्ट्स हैं 6. 6 का डिवाइड कर देंगे इतना आ जाएगा 60 डिग्री. क्या लिखेंगे? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर at the center of the circle. यानी कि हर पार्ट सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा. अब स्टूडेंट ट्राइंगल ओ ए बी की बात करते हैं. ओ ए बी, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर हम ट्राइंगल ओ ए बी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. ओ ए ओ बी के इक्वल क्यों आएगा? रेडियस ऑफ द सर्कल. अब अगर रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल है तो रूल ये होता है कि इसी ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे. इसका मतलब है कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए. नाउ ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी. ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? कि द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी टू टाइम्स एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री, क्योंकि सभी पार्ट क्या कर रहे थे? 60 डिग्री बना रहे थे. इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो टू टाइम्स एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120. नाउ एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 120 अपॉन 2. अब 120 में 2 का डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हैं. अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं तो वो ट्राइंगल क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है. हैंस ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. यानी कि जो एओबी ट्राइंगल है वो क्या है? इक्विलेटरल है. इट्स मींस इफ दिस इज 28, दिस इज 28, सो दिस साइड ए बी इज ऑल्सो 28. सो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर. क्यों होगा? क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर. तो अंडर रूट 3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर यानी कि 28 स्क्वायर. तो 28 इंटू 28, 4 7 जा 28, 196 रूट 3. अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब फ्रेंड हमें करना क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी कितना आएगा? ओ ए पी बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर का मतलब 28 इंटू 28, 7 फोर जा 28, 6 सिक्स जा 36 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 11 जा 22. तो ये आ जाएगा 11 इंटू 4 यानी 44 इंटू 28 अपॉन 3. इतना आ जाएगा 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी. लेकिन अभी भी हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है.
किसका? ए पी बी का. सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. सो स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी की वैल्यू कितनी आई थी? 1232 अपॉन 3 माइनस 196 इंटू 1.7. सो स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 3. यहाँ आ जाएगा 1232 माइनस 196 इंटू 1.7 इंटू 3. अब स्टूडेंट हमें करना ये भी है कि यहाँ पर हमें कितने रीजन्स है? 6 रीजन्स है. उन सभी रीजन्स का एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये वाली वैल्यू हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 1232 माइनस 196 इंटू 1.7 इंटू 3 अपॉन 3. सो 3 टू जा 6 इंटू 1232 माइनस 999.6. अब इसे माइनस कर दीजिए तो 2 इंटू 232.4 इज इक्वल टू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से ओवरऑल 6 सेगमेंट्स के एरियाज निकल करके आ गए. तो नाउ फ्रेंड, एरिया रिलेटेड टू सर्किल एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग. एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्किल विद रेडियस आर इज. देयर आर 4 ऑप्शन. ऑप्शन ए इज पी अपॉन 182 पाई आर. ऑप्शन बी इज पी अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर. एंड ऑप्शन सी इज पी अपॉन 362 पाई आर. ऑप्शन डी इज P अपॉन 722 पाई आर स्क्वायर. तो स्टूडेंट, कहा यह गया है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? P बन रहा है. एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू कितनी है? P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. स्टूडेंट अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टैली होगा? तो एक काम करते हैं, P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास मिलेगा P 362 जा 720 एंड 2 पाई आर स्क्वायर. अगर हम इस ऑप्शन को यहाँ से टैली करना स्टार्ट करें तो ये ऑप्शन डी के इक्वल आ रहा है, यानी पी अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर.